आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एलोवेरा जेल से फेशियल कैसे करें घर पे वो मैं आपको बताने वाली हूँ। इससे बहुत ही अच्छा ग्लो आता है, विंटर के सीजन में आपकी स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं पड़ेगी। इस फेशियल की सबसे अच्छी बात ये है कि आपको इस फेशियल को करने के लिए आपको कोई भी चीज़ बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं है, सब आपके किचन में ही आसानी से आपको मिल जाएगा और इसका रिजल्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा जो कि आपकी स्किन को लाइट ब्राइट टाइट करेगा। विंटर के कारण आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो जाती है, ड्राई हो जाती है, आपके चेहरे पर बिल्कुल भी ग्लो नहीं होता है, बिल्कुल भी शाइन नहीं होता है और विंटर के सीज़न में आपकी स्किन काली पड़ने लगती है, धूप की वजह से टैनिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल पड़ने लगती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा आज का जो ये फेशियल है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, 100% नेचुरल है, बहुत ही ज़्यादा असर करता है, आपकी स्किन को यूथफुल यंग ग्लास स्किन बनाएगा, आपकी स्किन को ये शीशे की तरह चमकाएगा। आइए देख लेते हैं इस फेशियल को आपको कैसे बनाना है, कैसे लगाना है। उससे पहले मैं अपने बारे में आप लोगों को बता देती हूँ। Hey guys, welcome back to my channel. मैं आपकी दोस्त कामया। कैसे हैं आप सब? आई हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज की जो मैं ब्यूटी टिप्स लेके आई हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा असर करती है, 100% नेचुरल है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका मिलता है। तो चलती हूँ वीडियो को स्टार्ट कर लेती हूँ, बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँगी इसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगी। तो जल्दी से आके मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। फेशियल का फर्स्ट स्टेप है क्लेजिंग। क्लेजिंग करने के लिए हमने यहाँ पे एलोवेरा जेल लिया हुआ है, प्लांट हमने लिया हुआ है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप मार्केट वाला भी ले सकते हैं। उसको मैंने अच्छे से धुल लिया है, अच्छे से साफ़ कर लिया है। उसके बाद हमें इसे साइड से काट लेना है, इसकी हमें 4 पीसेस कर लेने हैं, इसे हमें बीच से काट लेना है, ये 4 पीस हो जाएंगे आसानी से। जैसे कि इस वीडियो में मैं काट रही हूँ, आप लोगों को बिल्कुल ऐसे ही काटना है, इसके पीस करने हैं। एलोवेरा जेल में मल्टी विटामिन्स पाई जाती हैं जो कि हमारी स्किन को हेल्दी रखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं। एलोवेरा जेल हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, ये हमारी स्किन के रंगत को निखारता है, दाग धब्बे को रिमूव करता है, हमारी स्किन में नेचुरल शाइन देता है। तो एलोवेरा जेल हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हमने यहाँ पे इसके 4 पीसेस कर लिए हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे 2 से 3 चम्मच हमें यहाँ पे रॉ मिल्क लेना है, यानी कि कच्चा दूध। अगर आपके पास कच्चा दूध नहीं है तो आप बॉयल किया हुआ भी दूध ले सकते हैं, लेकिन वो ठंडा होना चाहिए, आप उसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें फिर आप उसे ले सकते हैं। दूध में लैक्टिक एसिड होता है जो कि हमारी स्किन की रंगत को निखारता है, क्लीजिंग करने का बहुत ही अच्छा काम करता है, हमारे फेस की अच्छे से क्लीजिंग करता है, यह हमारी स्किन को सॉफ्ट और मॉइस्चराइज बनाता है, स्किन की रंगत को भी निखारता है। अब इसके बाद हमने जो यहाँ पे एलोवेरा जेल लिया था उसके हमने पीसेस किए हुए थे, उसको अच्छे से हम ऐसे काट लेंगे, इसका जेल आसानी से हमारे फेस पे लग सके, अच्छे से हमारे फेस पे ग्लो आ सके। तो हम इसे क्लीजिंग करेंगे, इसमें दूध में डिप कर लेंगे और फिर इसे हमें अपने पूरे फेस में, आपको 5 मिनट के लिए अच्छे से अपने फेस की क्लीजिंग करनी है, पूरे फेस पे आपको इसे लगा लेना है। अब हमारा सेकेंड स्टेप है स्क्रबिंग का। स्क्रबिंग करने के लिए हमने यहाँ पे 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर लिया है। कॉफ़ी हमारे स्किन में डेड स्किन सेल्स के लेयर को ये बाहर निकालती है, हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करती है और हमारी स्किन की रंगत को ये साफ करती है, हमारी स्किन को ये पॉलिश करती है, एक नई चमक लाती है। इसके बाद हमें लेना है 1 चम्मच हमें दरदरी पिसी हुई चीनी लेनी है, आपको 1 से 1.5 चम्मच नींबू का रस लेना है। नींबू में विटामिन सी पाया जाता है, साथ ही साथ ब्लीचिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है जो कि हमारे स्किन से दाग धब्बे को रिमूव करता है और हमारे स्किन में जो भी डर्ट होती है उसे बाहर निकालता है। और इन सभी चीज़ों को हमें, तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद हमने जो एलोवेरा के 4 पीसेस किए थे उसमें से 1 पीस लेना है, उस पेस्ट को उसमें लगा लेना है अच्छे से, जैसे कि मैं लगा रही हूँ, आप लोग देख पा रहे हैं, आपको भी ये बिल्कुल ऐसे ही लगाना है। फेस में लगाते हुए आपको अपने फेस पे इसे स्क्रबिंग करनी है इससे। इसके बाद आप देख पाएंगे आपके चेहरे पे जो साइन आने वाली है, जो ग्लो आने वाला है, आप देख के भी खुद भी हैरान हो जाएंगे, काफ़ी अच्छी साइन आएंगी, आपके फेस से जितनी भी डल्ट होगी वो बाहर निकल जाएगी। इसमें ऐसे लगा के ही आपको करना है। अब इसके बाद हमें थर्ड स्टेप आती है जो मसाज। मसाज हमें कैसे करना है, हमें यहाँ पे एलोवेरा जेल लेना है, उसका जेल पूरी तरह से निकालना है हमें और एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेना है।
उसके बाद हमें यहाँ पे आधा चम्मच हनी ऐड करना है, यानी कि शहद आपको लेना है। शहद हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, हाइड्रेट करता है, साथ ही साथ ये रंगत को भी निखारता है, काफ़ी अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए। अब इसके बाद आपको एक चम्मच यहाँ पे बादाम का तेल लेना है, यानी कि आलमंड ऑयल लेना है आपको। ये ऑयल विंटर के सीज़न के लिए बहुत ही अच्छा होता है, अदरवाइज़ ऐसे भी अच्छा होता है ड्राई स्किन वालों के लिए। अगर आपके पास ये ऑयल नहीं है तो आप इसके जगह जैतून का तेल भी ले सकते हैं और कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं, अगर आप इसे गर्मियों के सीज़न में यूज़ कर रहे हैं तो, क्योंकि विंटर के सीज़न में ये जम जाता है कोकोनट ऑयल, इसलिए हमें नहीं लेना है। अब इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है, एक पेस्ट बना के पूरी तरह से रेडी कर लेना है। ये हमारी मसाज क्रीम बन के हो चुकी है पूरी तरह से रेडी। अब हमें इसे लेके इससे हमें अपने फेस पे 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से मसाज कर लेनी है। बाद जो हमारा लास्ट स्टेप आता है फेस पैक का, फेस पैक हमें कैसे रेडी करना है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपको सबसे पहले एलोवेरा का जेल लेना है, आपको जैसे मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है आपको पूरा वैसे ही निकाल लेना है। उसके बाद आपको एक चम्मच यहाँ पे बेसन लेना है, और फिर आपको उसके बाद आपको एक चम्मच ऑरेंज पील पाउडर लेना है। मैंने यहाँ पे मार्केट वाला लिया हुआ है, और अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे घर पे भी बना सकते हैं। ऑरेंज के छिलकों को सुखा के उसे पीस लीजिए, पाउडर तैयार हो जाएगा, उसे भी आप ले सकते हैं। और इसके बाद हमें एक चम्मच आपको यहाँ पर दही लेनी है, दही जितनी खट्टी होगी उतनी ही हमारी स्किन के लिए अच्छी होगी। अब इन सभी चीज़ों को मिक्स करके हमें यहाँ पे एक पेस्ट बना लेना है। अगर आपको दही कम पड़े तो आप दही और भी ले सकते हैं। अब इसका पेस्ट बनके हो चुका है रेडी। अब आपको क्या करना है, अपने क्लीन फेस पे आपको इसे लगा लेना है 15 से 20 मिनट के लिए। जब ये पूरी तरह से ड्राई हो जाएगा, पूरी तरह से सूख जाएगा, फिर आपको इसे नॉर्मल पानी से अपने फेस को अच्छे से साफ कर लेना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको मार्केट वाला आधे चम्मच से कम आपको एलोवेरा जेल लेना है। उसमें आपको आलमंड ऑयल यानी कि बादाम के तेल की 4 से 5 ड्रॉप आपको मिक्स करने हैं, उसे अच्छे से मिला लेना है, अपने मिक्स कर लेना है, उसको आपको अपने फेस पे लगा लेना है। इसे आप 1 से 2 घंटे अपने फेस पे अच्छे से लगे रहने दें, इसे अपना काम करने दें। अगर आप इसे नाइट में करते हैं इस फेसियल को, तो आप ओवरनाइट में इसे लगा के सो सकते हैं, इसका काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप जब ये फेसियल यूज करेंगे ना, तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा लाइट ब्राइट लगने वाली, आपको फर्स्ट एप्लीकेशन में ही आपको इस फेस पैक का रिजल्ट मिलने वाला है। बहुत ही अच्छा विंटर में ये फेसियल है, आप आसानी से घर पे कर सकते हो, अपनी स्किन को लाइट ब्राइट, ग्लोइंग, स्मूथ, सॉफ्ट बना सकते हो। इस फेसियल की सबसे अच्छी बात यह है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ये 100% नेचुरल है। आप अगर मार्केट वाला कराते हो फेसियल, तो वो आपकी स्किन पे सूट भी करता है, नहीं भी करता है तो प्रॉब्लम भी हो जाती है, तो इस वजह से ये फेसियल 100% नेचुरल है। बहुत ही कम पैसों में आप घर पे आसानी से इस फेसियल को कर सकते हो। ये तो ये फेसियल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है विंटर के लिए, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर करिएगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगी, और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। मित्रों, मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेरी वीडियो सब्सक्राइब करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।